Hi everybody, it's Ishu Rajput. Back again with a new video, baby. So, आज हम जिस जगह पे आए हैं वो एक है हॉन्टेड रेलवे ट्रैक. आप देख सकते हैं कि पीछे से एक ट्रेन आ रही है और इधर ना कोई आदमी है ना कोई, और उधर भी आप देख सकते हैं कोई नहीं है. मतलब वो उधर एक घर है बट कोई नहीं रहता, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोई नहीं है. तो सो गाइस, देखिए इधर ट्रेन आ रही है और इधर मतलब उस तरफ जो आप देख रहे हैं आवाज कहाँ से आ रही है, तो उधर मतलब सरस्वती पूजा चल रही है. देख सकते हैं आप, ये ट्रेन आ चुकी है. एरिया है. हाँ, तो मैं आपको रोड के ऊपर भी जाता हूँ. ये आप देख सकते हैं कितने कितना अंधेरा है इस रास्ते में, पूरा अंधेरा है. मतलब गाइस पूरा अंधेरा, एक आदमी नहीं दिखेगा इधर, एक आदमी नहीं दिखेगा आपको. तो गाइस मैं तो एक तरफ आपको दिखाया हूँ बट रोड के दूसरे तरफ मैं आपको उस तरफ भी दिखा देता हूँ. तो गाइस चलते हैं, वो एक ट्रेन आ रही है उधर से. ये देखिए कुत्ता है, चलते हैं भाई. हम फाइनली आ चुके हैं रोड के इस तरफ और चलते हैं. तो गाइस आप देख सकते हैं कि इधर भी रोड में आपको एक आदमी नहीं दिखेगा. और ये क्या है भाई, देख सकते हैं गाइस. This is the one of the बंगलो. हिंदी में बोल भाई. ये एक बंगला है जहाँ पर कुछ सालों से लोग नहीं रहते. यहाँ पे काफी व्यूमर्स पहले हैं, तो जैसे कि ये पश्चिम है तो यहाँ पे बहुत कुछ आदमी कट गए हैं उसके साथ. आप जानते ही हैं रेलवे ट्रैक है ना, तो मैं आपको इसके अंदर एक आदमी नहीं दिखेगा इधर. ये भाई फ्लैप, ये हमारे ड्राइवर साकेत सोनित किशोर. हाँ, वी आर जस्ट अ फ्रेंड. तो गाइस चलते हैं इस तरफ, आप देख सकते हैं बहुत अंधेरा है भाई. वो उधर है रेलवे ट्रैक, कहाँ जा रहा है भाई. वो देखिए वो उधर गया, ये ना दिखा वो सामने वो उधर, ये आ गया, ये आ रहा है. दिख भी नहीं रहा होगा इतना अंधेरा है. ये मेरी साइकिल है, देख सकते हैं ये आ चुका है. ये साकेत सोनित उधर से. हाँ तो भाई उधर से वो क्या लगा, मुझे बहुत ही डरावना लगा, लेकिन हिम्मत करके मैं गया और वहाँ से लौट आया. ये मेरी किस्मत है.
तो गाइस हम भी चलते हैं उधर, देखते हैं क्या है। सो गाइस इधर आपको एक आदमी निकल हुआ, ये जाते वक्त हमें दिख रहा है, तो इससे हम बात करते हैं कि इधर जाते वक्त इन्हें क्या लगता है, इधर से तो बताइए क्या लगता है। अच्छा लग रहा है, तो मैं इनसे बात करता हूँ। तो गाइस आपको बताएंगे कि इधर से जाते वक्त इन्हें क्या लगता है, क्या लगता है, क्या अधूरा यहाँ पे जो कोई आवाजें आती है या फिर क्या होता है। लेकिन इधर से काफी विमर्श फैले हैं कि आदमी मतलब यहाँ पे कट जाता है, कटता है, कटता है। तो यहाँ से आते हैं तो मतलब क्या मजबूरी है, डर लगता है, गाड़ी घोड़ा जाता है एक लिए। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको आने पड़ती है, देख सकते हैं कि ये ड्यूटी से जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनकी रोजी रोटी है भाई, तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे प्यार से कमेंट भी छोड़ दें।